नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं एचपीएससी के द्वारा, जैसे कि आपको पता है हाल ही में एससीएस का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था, साथ में इसके मार्क्स भी जारी किए गए थे। तो जो 61 कैंडिडेट थे उनका जो है यहाँ पर आगे इंटरव्यू होना था, तो उसके बाद उनका जो रिजल्ट आ चुका है और साथ में जो मार्क्स हैं वे भी आ चुके हैं। और अगर आप इन दोनों के दोनों रिजल्ट और मार्क्स को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इसके साथ ही एक और भर्ती का जो रिजल्ट है वो भी रिवाइज हुआ है। तो पहले जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एससीएस वाला जो यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर पहले जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपके एससीएस को देखेंगे। तो ये देख सकते हैं रिजल्ट, कंटिन्यूशन ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर 8/6/2017, पोस्ट थी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैटरी की, कॉमर्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट है 10/2016, पब्लिश डेट 16/2016, कॉन्करेंट डेट थी 29/4/16। श्री राकेश कुमार रोल नंबर था इतना, इज डिक्लेयर सिलेक्टेड अंडर ईएसएम कैटेगरी अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑफ द कैटेगरी, जो कोर्ट केस वगैरह जो हुआ था। तो उसके बाद तो एक कैंडिडेट था यहाँ पर, ये जो सिलेक्ट हुआ है नाम श्री राकेश कुमार है, रोल नंबर ये वाला है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा जो आप एससीएस का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट है यहाँ पर, एससीएस एक्सपीरियंस अदर अलाइज सर्विस एग्जाम 2022 में ये रिजल्ट है। और ये देख सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनल रिजल्ट, रिकमेंडेशन ऑफ द कैंडिडेट टू द पोस्ट ऑफ एससीएस एक्सपीरियंस अदर अलाइज सर्विस इन दी बेसिक ऑफ मेन रिटर्न एग्जाम, जो आपका 12/8/23 और 13/8 को हुआ था, और उसके बाद इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ था 9/11 में, 9 से लेकर 11 तक। एडवर्टाइजमेंट 11/23 है, डेट 9/2/23 और कॉग्निटिव डेट 7/3/23। तो जो 61 कैंडिडेट जिनका अब जो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू हुआ है, उनके जो रिजल्ट है यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं। जिसमें जनरल के 44 कैंडिडेट है, एससी के 6, बीसीए के 3 कैंडिडेट, बी का 1 है, ईडब्ल्यूएस के 6 कैंडिडेट, एएसएम जनरल ऑफ हरियाणा का 1 कैंडिडेट है। तो टोटल कैंडिडेट जो है यहाँ पर 61 है, कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट आर एज फ्लो, तो यहाँ पर मेरिट जो है उसके अनुसार दिए गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर है, उसके बाद मेन रोल नंबर है और कैंडिडेट का नाम है। तो नाम रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और ये आप देख सकते हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये 61 यहाँ पर कैंडिडेट है। द अबोव रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द पेंडिंग राइट पिटीशन सीडब्ल्यूपी बेरिंग नंबर सीतना बिफोर द होनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। और ये देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट और साथ ही मार्क्स, और ये मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी इंग्लिश और एसए में आपके कितने हैं आउट ऑफ 100 में से, हिंदी एसए में कितने हैं आपके 100 में से, जनरल स्टडी 200 जो थे, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का जो था उसमें से कितने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आउट ऑफ 200 में से कितना है, टोटल मार्क्स जो 600 बने थे उनमें से कितने बने हैं, इंटरव्यू जो आपका 75 नंबर का था इसमें से कितने नंबर है, टोटल हो जाते हैं 600, ये 75, ये 675, क्योंकि जो फाइनल जो स्कोर बनेगा वो इंटरव्यू और जो आपका जो लास्ट वाला जो पेपर था उसको लेकर बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट का जो यहाँ पर टोटल स्कोर कितना है, तो 319.36 यहाँ पर बने हैं। तो जो 61 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं का यहाँ पर ये स्कोर है। तो देख सकते हैं एक एक दो दो नंबर कुछ पॉइंटों का ही यहाँ पर इसमें अंतर है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 61 कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स और रिजल्ट, और यही हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बने के लिए धन्यवाद।